नेक्स्ट हमारा टॉपिक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या चीज़ है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स की मदद से करंट और वोल्टेज के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करती है। मतलब एक डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं एंड इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज। ठीक है, इसके और भी यूजेस हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप असल में डिवाइस कैसी है। सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का सबसे जो इम्पोर्टेंट उसका स्ट्रक्चर डायग्राम, कोशिश करें साफ़ सुथरी और अच्छे से अच्छी डायग्राम ड्रॉ करनी है, क्योंकि डायग्राम के ही नंबर होते हैं ज़्यादातर इस ऐसे टॉपिक्स के अंदर, डायग्राम बहुत मैटर करती है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मेन इसका स्ट्रक्चर एक ट्यूब है, एलोंगेटेड ट्यूब। इस ट्यूब के एक तरफ हमने लगा रखी है फ्लोरेसेंट स्क्रीन और दूसरी तरफ हमने सेटअप लगा रखा है जहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, ये है यहां पर इसकी एलोंगेटेड ट्यूब जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ने पास करके जाना है। यही वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सामने स्क्रीन के ऊपर जाकर इमेज क्रिएट करेंगे। वो ग्राफ जो बनाना है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर मूव करके बनाना है। सो यहाँ पर उसका पोर्शन होगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का, ये वो पोर्शन है फ्लोरेसेंट स्क्रीन का जहाँ पर इमेज बनता है। सो कोशिश करें साफ़ सुथरी डायग्राम, जितनी बच्चों साफ डायग्राम होगी मार्क्स मिलने के आपके जो चांसेस हैं ना वो उतने ब्राइट होते चले जाएंगे। मैं कोशिश करता होता हूँ कि आपको डायग्राम्स की बेसिक जो सेंस है ना ड्रॉ करने की वो आपको ज़रूर बताई जाए। बहरहाल इट्स अप टू यू, जितनी मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो ये हो गया जी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर, कि एक ट्यूब है एलोंगेटेड, उसके दूसरे एंड पर एक स्क्रीन है और बीच में कुछ कंपोनेंट्स हैं। हम असल में इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक इमेज ड्रॉ करवाते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। अब यूँ है कि यहाँ पर सबसे पहले यूज़ किया जाता है एक बैटरी को। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इसके साथ हमने यहाँ पर लगा रखा है एक स्प्रिंग। स्प्रिंग टाइप है, स्प्रिंग नहीं है असल में, एक फिलामेंट है और वो फिलामेंट कुछ इस शेप का है। और ये फिलामेंट ज़्यादातर केसेस में बना होता है टंगस्टन का, आप कुछ भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गई जी हमारे पास बैटरी। सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट आपने लगाया, दिस कॉम्पोनेंट इज़ बैटरी। तो हर कंपोनेंट का साथ साथ हम यूज़ भी लिखते हैं। बैटरी कंपोनेंट नंबर वन है। बैटरी क्या काम करेगी? बैटरी थर्मियोनिक एमिशन के लिए रिजल्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगी। और थर्मियोनिक एमिशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वोल्टेज, तो तकरीबन 6 वोल्ट, और करंट तकरीबन प्रोवाइड करेगी अबाउट 0.3 एम्पेयर। वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल वी आर यूजिंग। तो नेक्स्ट चीज़, दूसरा जो इसका कंपोनेंट लगा हुआ है दैट इज़ फिलामेंट। ये नंबर टू पे, वहाँ पे अगर नंबर टू को मैं यहाँ से यूँ मेंशन कर दूँ तो ये नंबर टू पे लगा हुआ है जी टंगस्टन फिलामेंट, और इसी फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। दूसरा जी फिलामेंट, और इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। मतलब यही वो पार्ट है जो थर्मियोनिक एमिशन शो करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिलामेंट क्या काम करता है, नीचे मैं ब्लू में उसका यूज़ भी लिखता जाता हूँ। फिलामेंट एमिट्स इलेक्ट्रॉन, कि फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। आप डिफरेंट तरह के फिलामेंट्स यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट एमिट होगी वो भी डिफरेंट होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब इस फिलामेंट में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, वो फिलामेंट थोड़ा सा जूम इन हो गया, अब जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखेंगे तो वो हर डायरेक्शन में निकलते हैं, वो उनकी डायरेक्शन रैंडम होगी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस स्क्रीन पे पहुंचाना है, तो इस स्क्रीन पर पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं ना, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं ये एक बीम की फॉर्म में वहाँ तक ट्रैवल करें। मतलब दे शुड हैव अ स्ट्रेट पाथ फॉर देयर मूवमेंट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसके आगे एक हीटेड कैथोड लगाते हैं।
हम इसके आगे क्या यूज़ करते हैं, हम इसके आगे यूज़ करते हैं हीटेड कैथोड। हीटेड कैथोड में ये बात याद रखनी है कि हीटेड कैथोड के दरमियान में एक होल है जिस होल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब आपको CRO इस तरह की भी अवेलेबल है मार्केट में कि हीटेड फिलामेंट में से ही हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, मतलब ये पीछे जो पोर्शन है ये होता ही नहीं, वो हीटेड फिलामेंट ही जो है ना, वो हीटेड कैथोड यही इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। बहरहाल ये जो तीसरा कंपोनेंट लगा है, ये थर्ड कंपोनेंट क्या चीज़ है, दिस थर्ड कंपोनेंट इज हीटेड कैथोड, या आप इसको सिंपल कहते हैं इट इज़ कैथोड। हीट करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। ये हीटेड कैथोड किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, जिस तरह आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सिचुएशन पढ़ते हैं कि जब कैथोड को हाईली नेगेटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल और लो वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। एनी हाउ कैथोड क्या काम करता है, कैथोड का काम ये है, इट प्रोवाइड्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, तो उसको एक स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की बीम बनाता है। दूसरा, इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन, इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ये चूंकि कंट्रोल करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, वो डायग्राम मैंने रेज कर दी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे वो थे हर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। अब हमने इसके आगे रखा हुआ है वो कैथोड और इसमें रखा है होल, तो इन इस कैथोड के दरमियान में एक होल है। कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है, कैथोड ऑल्सो कंप्राइजेज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे, यहाँ से भी सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पास करेंगे, उसी एक होल में से पास करेंगे, क्योंकि उसके सामने वो कैथोड वाली शीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बीच में से पाथ मिल जाएगा, सो दे विल मूव टूवर्ड्स द स्क्रीन। अब इलेक्ट्रॉन्स ब्राइटनेस को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, अगर तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी जो यहाँ से एस्केप करेगी तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट कम होगी तो ब्राइटनेस कम होगी। तो मतलब इस बात का यह है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए इसी कैथोड ने रोल प्ले करना है। अगर कैथोड पे हाईली नेगेटिव चार्ज होगा तो ब्राइटनेस कम होगी, अगर कैथोड पे कम नेगेटिव होगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। क्यों, जब कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर पीछे रिपेल हो गए तो बहुत कम होंगे जो आगे पास करेंगे, इसलिए ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है जी कैथोड। नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट लगा होता है जी एनोड। एनोड यहाँ पर यूज़ होते हैं तीन, एक यहाँ पर एनोड यूज़ होता है A1। ये तीन एनोड क्यों लगाए जाते हैं, असल में इन तीनों के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल ही है, मतलब एक A1 ऊपर एक A1 नीचे। अब ये डायग्राम है, चूंकि हम आपको शो कर रहे हैं टू डायमेंशनल व्यू, तो टू डायमेंशनल व्यू इसी तरह का होता है कि हम आपको एक एंड दिखा रहे हैं, असल में ये ट्यूब जो है ये ट्यूब सिलेंडर की शेप की है, तो इसके इर्द गिर्द ये जो एनोड्स है ना A1 A2 एंड A3, आगे A2 और A3 भी लगेंगे, तो उनकी जो शेप है दे आर लाइक स्फेयर, वो यूं है गोल, और इसके दरमियान से इलेक्ट्रॉन ने पास करना है। मतलब ये तो मैंने गैप शो कर दिया क्योंकि ये वन उसका टू डायमेंशनल व्यू है ना, थ्री डायमेंशनल अगर आप इसको रियल में देखें तो वो यूं होल होता है और उसके दरमियान से इलेक्ट्रॉन्स ने पास करना होता है, हर तरफ से पॉजिटिव होता है। ये एनोड लगाया क्यों, एनोड इसलिए लगाया कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अभी तक बाहर निकला है ना, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से ट्रैवल करके स्क्रीन तक पहुँच जाए। इस इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करवाने के लिए हमने एनोड लगाया। एनोड इसको इन अ सेंस कह दें कि अट्रैक्ट करेगा, एनोड इलेक्ट्रॉन को एंड इट अट्रैक्ट करेगा बिकॉज एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन्स के पास जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो एनोड क्या काम कर रहा है, ये आपने एनोड नंबर वन लगाया, एनोड क्या काम कर रहा है, एनोड अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, एनोड और एनोड क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन गेन्स सम वेलोसिटी, और जब इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी को गेन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, तो एनोड क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को
एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट्स इलेक्ट्रॉन। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर राइज होता है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाता या नीचे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाता। मैंने बताया जितना पॉजिटिव ऊपर उतना ही पॉजिटिव नीचे, तो दोनों तरफ से एक जितनी फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन की मजाल ही नहीं है कि वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो सके। सो इलेक्ट्रॉन विल पास स्ट्रेट। और इसके बाद ये एनोड हम यूज़ करते हैं तीन, बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि शुरू पर जो पॉजिटिव होगा वो कम, दूसरे का पॉजिटिव उससे ज़्यादा, और तीसरे का पॉजिटिव उससे भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये दूसरा, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर देता हूँ बिकॉज ट्यूब की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने चलना है। ये A2 है और A2 के पास पॉजिटिव पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू A1 ज़्यादा है। वहाँ पर मैंने एक प्लस बनाया, यहाँ पर दो बना दिया। ये आपको हमेशा याद रहेगा कि टू वाले का पॉजिटिव पोटेंशियल वन से ज़्यादा। और इसके बाद ये A2 और ये इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, तीसरा भी एनोड लगा होता है और तीसरा एनोड भी उसी तरह एज़ कम्पेयर टू ए वन ए टू दोनों के मुकाबले में इसका पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है। सो ये हमारे पास आ गया थर्ड, इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं इसके अंदर तीन प्लस बना देता हूँ और ये तीन का मतलब है कि ये थर्ड है ए थ्री, और तीन का पॉजिटिव बनाने का मतलब ये कि इसके पास जो पॉजिटिव पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू वन एंड टू वो सबसे ज़्यादा है। मतलब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोटेंशियल लगाया जाता है, एनोड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे चलता जाएगा मोर एंड मोर एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड टू इट, ताकि ये ईजिली स्क्रीन तक पहुँच जाए, उसको अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए यहाँ तक, अब इनके पास इतनी एनर्जी है ये स्क्रीन तक पहुँच जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने लगानी है यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। दो तरह की डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, एक होती हैं हॉरिजॉन्टल, एक होती हैं वर्टिकल प्लेट्स। इन्हीं को आपने ध्यान से समझना है, असल में यही इसका यूँ कह लें हार्ट है, ठीक है ना, इसका दिल है ये चीज़। और बच्चों यहाँ तक ये जो आपने पूरा पोर्शन कवर कर लिया ना, वन टू थ्री और ये कंपोनेंट नंबर फोर एनोड, इन चारों को मिलाकर हम एक नया नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ये जो यहाँ तक हमने पोर्शन किया, दैट इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सी आर ओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गन, कि ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है ये पोर्शन। नेक्स्ट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, दो तरह की डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल है, दूसरी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं वर्टिकल। तो ये प्लेट्स मैं लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब इनको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग यहाँ पे चीज़ है। ये प्लेट्स लगी हैं हॉरिजॉन्टल, कोशिश करें डायग्राम फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ साफ। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का सेट है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेट के सेट से क्या मुराद है कि दो तरह की प्लेट्स हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल लगी हैं यूँ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को ये डिफ्लेक्ट करवाएंगी तो वाई एक्सिस पे करवाएंगी, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा ये भी याद रहे कि ये सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है, सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कहाँ कराएगी, वाई एक्सिस पर। तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं सेट ऑफ प्लेट्स फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, या इनको प्रॉपर जिस तरह से इनका नाम बनता है, आप इसको पोर्शन को नाम दें फाइव का, ये क्या चीज़ है, सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कहाँ पर करवाती हैं, दे डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन वाई एक्सिस। कैसे डिफ्लेक्ट करवाती हैं वो भी समझा देते हैं, डिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑन वाई एक्सिस। गौर से देखें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। हमने पोटेंशियल किसको प्रोवाइड करना है, इन्हीं प्लेट्स को प्रोवाइड करना है। दो तरह की प्लेट्स लगाई हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल लगाई हैं। अब दोनों को हमने प्रोवाइड करना है चार्ज। जब हम दोनों में इसको प्रोवाइड, दोनों को कर दें, एक को कर दें, तब भी काम चल जाएगा। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन उस चार्ज की वजह से डिफ्लेक्ट होगा, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजर रही है। कैसे,
आप इमेजिन करें ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव अपवर्ड। तो अगर ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूं डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन उसके पास चूंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो जिस स्पीड से आ रहा है वो अट्रैक्ट ऊपर टच नहीं होगा बल्कि ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो वो नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल होगा, नीचे पहुँच जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन यूं डिफ्लेक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस पर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट्स ऑन वाई एक्सिस। खुद ये प्लेट्स किस तरह लगी हैं, हॉरिजॉन्टल, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कहाँ पर कराती हैं, वाई एक्सिस। नेक्स्ट दो जो प्लेट्स हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ वर्टिकल प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स यूं लगी हैं। अब आपको जब मैं व्यू शो करूँगा तो ये यहाँ पर जब बनेंगी तो आपको पूरा व्यू उनका शो नहीं होगा, तो उनका पूरा व्यू मैं फिर कैसे शो करूँगा, उनका पूरा व्यू कुछ यूं होगा। ये सेट ऑफ वर्टिकल प्लेट्स, कि ये प्लेट्स खुद वर्टिकल लगी हैं तो इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कहाँ पर करवाएंगी, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल करवाएंगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करवाती हैं हॉरिजॉन्टल, ये हैं सेट ऑफ वर्टिकल प्लेट्स, मतलब ये दो प्लेट्स यूं लगी हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ये डिफ्लेक्ट किस तरह करवाएंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये पार्ट नंबर 6, सेट ऑफ वर्टिकल प्लेट्स डिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स एक्सिस, डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स एक्सिस। ये खुद तो ये प्लेट्स वर्टिकल हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करवाती हैं। ये भी उसी तरह, अगर पॉजिटिव हो इस ब्लू वाली साइड पे तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव दूसरे एंड पर हो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन उधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जिस तरह से चार्ज होगा उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट, अच्छा इन दोनों को चार्ज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हमने टर्मिनल्स भी ड्रॉ कर रखे होते हैं, कि इनके साथ टर्मिनल्स लगे होते हैं जहाँ से हम इनको चार्ज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप अपनी बुक पर देखें ना, आई थिंक इसके ऊपर लिखा होगा वाई, क्योंकि ये कहाँ पर डिफ्लेक्ट करवाती है इलेक्ट्रॉन को, वाई एक्सिस पर, और ये किस पर डिफ्लेक्ट करवाती है, एक्स एक्सिस पर। अब इसके ऊपर तो मैं ड्रॉ करने से रहा, तो उसके लिए मैं यूं बना देता हूँ कि वर्टिकल प्लेट के ऊपर यूं होगा दोनों तरफ, और हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए यूं ऊपर और नीचे पोटेंशियल के लिए पॉइंट्स होंगे। लास्ट पोर्शन आ गया, इलेक्ट्रॉन बिलाखिर मूव करता हुआ यहाँ से, इस यहाँ से हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो प्लेट लगी हुई है, यहाँ से मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन बिल आखिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर पहुंच गया, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर पहुंच कर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ की लाइंस पहले से ही एनक्रेव्ड होती हैं, मतलब हमने उसके ऊपर पहले से स्क्रीन के ऊपर ग्राफ की लाइंस को बना रखा होता है, और जब आप डिज़ाइन करते हैं ये तभी कर दिया जाता है। और यहाँ पर इसके ऊपर दोनों एक्सेस भी बने होते हैं, ये एक्सेस वाई एक्सेस, और ये एक्सेस कौन सा होगा, एक्स एक्सेस, ये वाई नेगेटिव ये एक्स नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को की मूवमेंट हो गई फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक, ये जो लास्ट पार्ट है, दिस लास्ट पार्ट इज फ्लोरेसेंट स्क्रीन, FLUORESCENT, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर ही इमेज बनता है, मतलब वो जो ग्राफ बन रहा है वो सारे का सारा ग्राफ हमें कहाँ पर शो होगा, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन बनी होती है फॉस्फोर की, मतलब इसके ऊपर ग्लास की है, इसके ऊपर एक लेयर होती है फॉस्फोर की। अगर फॉस्फोर अवेलेबल ना हो तो दूसरी लेयर इस पर लगाई जाती है ZnS की, जिंक सल्फाइड की। और फॉस्फोर और जिंक सल्फाइड की ये प्रॉपर्टी है कि जब कोई पार्टिकल इसके ऊपर आकर हिट करता है, इट प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये जो फ्लोरेसेंस है, इस फ्लोरेसेंस का मतलब होता है चमक, मतलब जब इलेक्ट्रॉन आके स्क्रीन के ऊपर कोलाइड करेगा तो कोलाइजन के नतीजे में वहाँ पर ग्लो करेगी वो स्क्रीन। जब वो ग्लो करेगी तो हमें वहाँ पर पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर हिट कर रहा है, और वो वाला पोर्शन ब्राइट हो जाएगा। तो यही उस पर ऊपर ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये करती क्या है, इट इज़ यूज फॉर आउटपुट, यही असल में हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो ये थी हमारा पूरी कंस्ट्रक्शन, ये इस टॉपिक की कंस्ट्रक्शन है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्सा वर्किंग पे। वर्किंग के लिए हमने
अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने एक्स और वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को देनी है, प्रोवाइड करनी है। अब जब हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे देंगे ना, तो क्या होगा, वाई एक्सिस पर वैल्यू मैक्सिमम जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनेगा इनपुट के लिए कि जब आप उस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो एक दफ़ा वैल्यू मैक्सिमम हुई, फिर ऑटोमेटिकली फ़ौरन जीरो पर ड्रॉ, फिर मैक्सिमम पे पहुँचेगी, फिर वैल्यू ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, और फिर से क्या कहाँ पर पहुँच जाएगी, ज़ीरो पे। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ने डिफ्लेक्शन कहाँ पर करवानी है, वाई एक्सिस के ऊपर करवानी है। सो डिफ्लेक्शन एक दफ़ा मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इस तरह जो ग्राफ बनता है ना, इसकी शेप इस तरह है जिस तरह सॉ टूथ होता है, आरी के दांत होते हैं, तो इसको सॉ टूथ ग्राफ भी कहा जाता है कि सॉ टूथ केस में इनपुट होगी। और जब आप इनपुट एक्स और वाई दोनों पर देते हैं ना, तो तब आपके पास सिनोसॉइडल ग्राफ बनता है। सिनोसॉइडल ग्राफ क्या होता है कि सिनोसॉइडल ग्राफ जिस तरह साइन थीटा का ग्राफ है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड सिनोसॉइडल ग्राफ। साइन थीटा के ग्राफ को सिनोसाइडल कहते हैं, वो साइन थीटा से ही वर्ड निकला है। साइन थीटा के ग्राफ में ये एंगल होता है 90 डिग्री 0 डिग्री, ये फर्स्ट वाला यहाँ पर ये है 0 डिग्री, ये वाला पोर्शन है 90, ये वाला पोर्शन है 180, ये वाला पोर्शन होता है 270, मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसके साथ, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है दैट इज 360 डिग्री। और साइन थीटा की अगर आप वैल्यूज़ चेक करें कैलकुलेटर पे, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 फिर से 0। अब अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट भी इसी तरह ही काम करता है कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव में जाती है, एक दफ़ा नेगेटिव में होती है। तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है अबव फ्रॉम द लाइन और ये नेगेटिव वाला पोर्शन है बिलो फ्रॉम द लाइन। कि जब ऊपर आप पॉजिटिव लाइन से ऊपर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इसका वाला हिस्सा, नीचे की बात कर रहे हैं मेन लाइन से तो नेगेटिव वाला पोर्शन। तो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ इस साइन थीटा के ग्राफ से रिजेंबल करता है, सो इट इज़ कॉल्ड सिनोसॉइडल ग्राफ। एक तरफ हम करंट की वैल्यू को पुट करते हैं और एक तरफ हम पुट करते हैं वोल्टेज की वैल्यू को, तो हमें ये ग्राफ मिलता है। तो यही CRO का काम है, इट ड्रॉज द ग्राफ बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज। नेक्स्ट, इसके कुछ और भी यूजेस हैं। नंबर वन, कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स जो उनके स्पेशली उनकी स्क्रीन्स के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद टेलीविजन की स्क्रीन, पुराना टेलीविजन, आज का LED LCD की बात नहीं कर रहा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डायोड्स नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पुराना TV स्क्रीन, उसका बैक साइड पे पोर्शन बिल्कुल उसके अंदर यही होती थी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब उसके अंदर कलर्स को शो करने के लिए हमने बीच में पोर्शन बनाया होता है, उसकी वजह से कलर्स भी एडजस्ट हो जाते हैं। पुराना टेलीविज़न तो था वो ब्लैक एंड वाइट था, वो इसी वजह से ब्लैक एंड वाइट, कि उसको टोटली इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इमेज बनता था। जहाँ कहीं पर इलेक्ट्रॉन टच हो रहा है वो पोर्शन वाइट हो जाता है, और जहाँ कहीं पर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है वो ऐसा ब्लैक होगा, सो ब्लैक एंड वाइट इमेज प्रोड्यूस हो जाता है। फिर अक्सर अगर आपने कहीं पर विजिट किया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने टेलीविज़न सा रखा होता है डिस्प्ले के लिए, और आपकी बॉडी के साथ अटैच किए होती हैं वायर्स को, वो हार्ट बीट का ग्राफ उस टेली के ऊपर बन रहा होता है। वो जो डिवाइस है वो असल में CRO ही है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ही है, वही डिवाइस वो ग्राफ बना रही है। वो ग्राफ, वो करंट कहाँ से आ रहा है, असल में हमारी बॉडी विदाउट करंट वर्क कर ही नहीं सकती। हमारा जब हार्ट बीट करता है तो एक छोटा सा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, तो ECG जब की जाती है हार्ट की, तो उस वक्त वो छोटा सा वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है ना, उसके लिए हमने इन टर्मिनल्स को पोटेंशियल दे रखा होता है। जब आपकी पल्स वर्किंग कर रही है तो पल्स के अंदर भी छोटा सा पोटेंशियल मौजूद होता है। इसी तरह जब आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है ब्रेन, और ब्रेन जिस तरह आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वो सारे का सारा आपका स्टिमुलस सिस्टम, उस सारे का सारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही चलता है। तो आपकी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन करंट सब कुछ है, तो उस चीज़ को फिर हम डिटेक्ट करते हैं। तो वो ग्राफ के ऊपर लाइन टेढ़ी क्यों आ रही है, क्योंकि हार्ट बीट हो रहा है, कहीं पर पोटेंशियल कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो वो ग्राफ की लाइन अप एंड डाउन मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि जब हार्ट बीट कर रहा है, पोटेंशियल मिला इन दोनों प्लेट्स को, इन्होंने हल्की सी डिफ्लेक्शन शो करवा दी। फिर जब डेथ हो जाए अल्लाह ना करे, तो क्या होता है, हार्ट बंद हो चुका, अब वो स्क्वीजिंग रुक जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स को
किसी किस्म का कोई चार्ज, कोई पोटेंशियल नहीं मिल रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन वो तो होगी नहीं किसी सूरत। जब इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन नहीं होगी देन व्हाट विल हैपन, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही पॉइंट पे लगने लग जाएंगे। तो वो आपको लाइन, जब एक ही पॉइंट पे लगते हैं तो हमें लगता है कि लाइन स्ट्रेट हो गई है। जब तक वो मिल रहा था उसको पोटेंशियल, वो अप एंड डाउन चल रही थी, जब एक ही पॉइंट पे लगेगा तो वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कॉन्सेप्ट के साथ।